यूनिट नंबर 15 पॉलीमर्स। ओके, पॉलीमर्स में सिर्फ अंडरलाइन मतलब इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे एनसीईआरटी के, तो अंडरलाइन कर रखे हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स के बेसिस पे पहले क्लासीफाई करेंगे पॉलीमर को। तो पॉलीमर को क्लासीफाई करेंगे तीन कैटेगरी में, कौन कौन से? नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में बस इतना याद रखना है, जो डायरेक्टली प्लांट एनिमल से मिलता है पॉलीमर, और नेचुरल पॉलीमर कहलाता है, जैसे प्रोटीन सेलुलोज स्टार्च सम, प्रोटीन सेलुलोज स्टार्च सम रेजिन और रबर, ये क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर, जो कि डायरेक्ट प्लांट और एनिमल में फाउंड होता है। अब आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेलुलोज डेरिवेटिव पॉलीमर को बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे सेलुलोज एसीटेट या रेयान, सेलुलोज एसीटेट रेयान और सेलुलोज नाइट्रेट हो गया। याद रखना है, याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सेलुलोज एसीटेट रेयान सेलुलोज नाइट्रेट, ये क्या होता है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है, होता क्या है? सेलुलोज डेरिवेटिव होता है। ओके, अब सिंथेटिक पॉलीमर में आता है, मैन मेड पॉलीमर को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक पॉलीथीन, प्लास्टिक पॉलीथीन, फाइबर्स नायलॉन 6-6, सिंथेटिक रबर ब्यूना यस, ये सब क्या हो जाएंगे? सिंथेटिक पॉलीमर हो जाएगा या मैन मेड पॉलीमर हो जाएंगे। अब पॉलीमर कैन आल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर फोर्स और मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन। ये पहले ओल्ड वाली एनसीईआरटी में दे रखा था, अब हटा दिया। तो ओल्ड स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर के आधार पर ओल्ड वाले स्ट्रक्चर के पास होगी देखेगा, स्ट्रक्चर के आधार पर तीन प्रकार के पॉलीमर थे। स्ट्रक्चर के आधार पर लिनियर पॉलीमर, उसमें आएगा HDPE और PVC, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा था ब्रॉन्ज चेन पॉलीमर, जिसमें आएगा LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तीसरा था क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर, जिसमें आएगा मेलामाइन और बैकेलाइट। तो ये स्ट्रक्चर के आधार पर तीन टाइप के हो गए। और अगर हम किसके आधार, मॉलिकुलर फोर्स के आधार पर देखेंगे, तो मॉलिकुलर फोर्स के आधार पर जो है वो कितने टाइप का पॉलीमर था? मॉलिकुलर फोर्स के आधार पे चार टाइप का था, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो मॉलिकुलर फोर्स के आधार पे इलास्टोमर में कौन आएगा? इलास्टोमर में जैसे रबर आएंगे, रबर, जैसे ब्यूनायस, ब्यूनायन और नियोप्रिंस, ठीक है, रबर आ जाएंगे। फाइबर्स में पॉलिएस्टर और पॉलीएमाइड आ जाएगा। थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन आ जाएगी, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल आ जाएगा। और थर्मो सेटिंग में बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आएगा। एक ओल्ड एनसीईआरटी में, नई वाली एनसीईआरटी में हटा दिया यहाँ से, तो अभी हमको बस यहाँ से चलना है आगे। अब टाइप ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो दो टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, एक होता है क्या? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि पूछेगा नहीं। थ्योरेटिकल मैकेनिज्म लिखिए, मतलब चूंकि एमसीक्यू टाइप का है, थ्योरेटिकल मैकेनिज्म पूछेगा नहीं। बस इसका ये याद रखिए, स्टेप कितने स्टेप होता है थ्योरेटिकल मैकेनिज्म। तो पहला जो है प्री इनिशिएशन स्टेप होता है, फिर उसके बाद प्रोपागेशन, फिर उसके बाद टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन आ जाएगा, ठीक है। पहला जो होता है वो इनिशिएशन होता है, इनिशियल स्टेप। दूसरा स्टेप जो होता है चेन प्रोपागेशन होता है, और फाइनली जो है चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। तो ये हो जाएगा इसका मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गई। ओके, अब आगे दे रखा है क्या, जैसे एक पॉलीमर दे रखा है, एडिशन पॉलीमर फाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द सिंगल मोनोमरिक स्पीसीज, जैसे उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। पॉलीथीन होमोपॉलीमर है, क्योंकि पॉलीथीन का जो मोनोमर है एक सिंगल ही है, इथीन है सिर्फ, इथीन कई इथीन मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीथीन, और इथीन एक ही टाइप का मोनोमर सब है, ये होमोपॉलीमर होगा। कोपॉलीमर किसे बोलेंगे? ऐसा पॉलीमर जिसमें दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर रहेंगे, उसको बोला जाएगा कोपॉलीमर। जैसे ब्यूनायस में दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर है, एक है ब्यूटा 1,3-डाइईन, दूसरा है स्टाइरीन। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? कोपॉलीमर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हो गया ना होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ओके, जैसे यहाँ पे बता रखा है ब्यूनायस कैसे बना है, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, ठीक है। 1,3-ब्यूटाडाइन 1,2,3 अगर नेमिंग करेंगे तो 1,3-ब्यूटाडाइन आएगा ये, और ये अगर C6H5 CH2 है तो स्टाइरीन हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? ब्यूनायस या ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर हो जाएगा। कोपॉलीमर इसलिए क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर से ये बन रहा है ब्यूनायस। पॉलीथीन पे आते हैं, पॉलीथीन जो होता है ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कैटेगरी में आएगा। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के, और कौन कौन थर्मोप्लास्टिक में आएंगे? पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल, जो भी ऊपर पढ़े हैं, एक मिनट लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन से आएंगे? एक आएगा पॉलीथीन, तो दिया ही पॉलीथीन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दो और आएंगे,
थर्मो प्लास्टिक में एक आएगा पॉलीथीन और पॉलीस्टायरीन, सही तो था पॉलीस्टायरीन और पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल ठीक है, पॉलीस्टायरीन और पॉलीविनाइल भी आएगा, पॉलीथीन तो आएगा ही, तो एनसीईआरटी में दे ही रखा है, बाकी ओल्ड एनसीईआरटी में पॉलीस्टायरीन पॉलीविनाइल भी दे रखा है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में आएगा। थोड़ा सा देख सकते हैं, पॉलीथीन दो टाइप का, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथीन एक कैसे बनेगा, पॉलीमराइजेशन इथीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे अंडर द हाई प्रेशर, इथीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मतलब 1000 से 2000 केल्विन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर पे अगर करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन, ट्रेस ऑफ डाई ऑक्सीजन आर द पराक्साइड इनिशिएटर कैटलिस्ट का जो काम करता है पराक्साइड यहाँ पे, या डाई ऑक्सीजन, तो लो डेंसिटी एलडीपी हमको मिल जाएगी। एलडीपी ये क्या होता है, थ्रू द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्शन से बनता है, हाईली ब्रांच्ड होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है, बस इसमें यह देखना है। और लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है, टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, पुअर कंडक्टर, हर एक पॉइंट जो जो अंडरलाइन है एकदम सीधे माइंड में सेट होनी चाहिए चीज़ें, कि टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये इंसुलेटर, इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर, ठीक है, इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर में, और स्क्विच बोतल, ट्वाइज और फ्लेक्सिबल पाइप, ये तीनों बनाने के लिए किया जाता है। ये पूछ चुका है क्वेश्चन, स्क्वेच बोतल बनाने के लिए कौन सा पॉलीथीन यूज किया जाता है, तो एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीथीन यूज किया जाता है। और लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनाया जाएगा, बनाने का तरीका है कि आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लीजिए, हाई टेम्परेचर मतलब 570 केल्विन, हाई प्रेशर मतलब 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कैटलिस्ट लगाइए डाई ऑक्सीजन या हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो मिल जाएगा एलडीपी। एलडीपी का अब थोड़ा सा करेक्टर देख लो, ये हाईली ब्रांच्ड होता है, हाईली ब्रांच होता है, केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्टर नहीं करता है, ठीक है। और इसका यूज जो होता है वो स्क्वेच बोतल, ट्वाइज और फ्लेक्सिबल पाइप बनाने में किया जाता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे एलडीपी का उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा मतलब ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे एलडीपी बन, हाई एचडीपी बन जाएगी, जबकि एलडीपी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर बन रही थी, ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे मिल जाएगी। देखो लो टेम्परेचर 343 केल्विन, उसमें 570 केल्विन था, इसमें 343 केल्विन ही है और उसमें 570 केल्विन था, इसमें 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। कंपेयर कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है। और उसमें कैटलिस्ट ऑक्सीजन या हाइड्रोजन परऑक्साइड के यूज़ किया गया था, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किया गया है वो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जिग्लेनेटा कैटलिस्ट यूज किया गया है। तो आई होप आ गया होगा। एचडीपी भी इसका करेक्टर देख लेते हैं, जीटीपी चूंकि हाई डेंसिटी वाले थे, नाम में ये हाई डेंसिटी, तो हाई डेंसिटी इसकी होगी, हाई डेंसिटी होगी ड्यू टू द क्लोज पैकिंग की वजह से। ये लेनियर पॉलीमर होता है, लेनियर पॉलीमर होता है ये, ओके। केमिकली इनर्ट ए भी था, केमिकली इनर्ट ए भी है, केमिकली इनर्ट एलडीपी भी था। मोर टफ होता है, मोर टफ एंड हार्ड होता है, और इसका यूज बकेट, डस्टबिन और बोतल पाइप बनाने में किया जाता है। चलो पॉलीटेफ्लॉन में पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन मतलब टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का जो मोनोमर होता है, वो टेट्राफ्लोरोइथेन होता है, टेट्राफ्लोरोइथेन, और ये विथ फ्री रेडिकल आर पर सल्फेट कैटलिस्ट हाई प्रेशर पे मिल जाता है। ये भी केमिकली इनर्ट होता है, रेजिस्टेंट टू अटैक बाय द क्रोशियो रिजेंट, इस पर अगर अटैक करेगा तो उसके प्रति रेजिस्टेंट प्रोड्यूस कर लेता है, इसलिए इसका यूज मेकिंग ऑयल सेस, गॉस्केट्स और नॉन स्टिकी सरफेस कोटेड यूटेंसिल बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये क्रोशियो रिजेंट इस पर अटैक करेगा तो उसके प्रति क्या पैदा कर लेता है, रेजिस्टेंट पैदा कर लेता है, इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, ऑयल सेल बनाने में, ऑयल सेल एंड गैसकेट बनाने में। तो ठीक है, इसका ये देख लो, जैसे टेट्राफ्लोरोइथेन है, कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट लगाएंगे यहाँ पे, पर सल्फेट कैटलिस्ट, याद रखना पर सल्फेट कैटलिस्ट, यहाँ पे पर सल्फेट लैंग्वेज में लिख रखा है, रिएक्शन मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि याद नहीं करेंगे, पर सल्फेट कैटलिस्ट रहेगा और हाई प्रेशर रहेगा, तो टेट्राफ्लोरोइथेन कन्वर्ट हो जाएगा टेफ्लॉन में, ओके। आते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो होता है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल का एडिशन पॉलीमराइजेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा पीवीसी मतलब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल।
तो ये चीज़ है। पायरी एग्रोनाइटाइल का यूज कहाँ करते हैं? यूज फॉर द वुड इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर एज ओरलान और एक्रिलिन। ये यूज पूछ चुका है कि कॉमर्शियल फाइबर एज ओरलान एक्रिलिन के रूप में कौन सा पॉलीमर यूज होता था? पीवीसी पॉली, नहीं सॉरी 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 सॉरी, पीवीसी तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है, वेरी सॉरी, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का यूज करते हैं कहाँ पे? ओरलान और एक्रिलिन के रूप में या वुड मेकिंग के रूप में, कॉमर्शियल फाइबर वुड उल 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 मतलब ठीक है ऊन। एग्जाम्पल देख लो, ये जो है ये क्या है, CH2CH C6H5, ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? तो ये होमोपॉलीमर है क्योंकि इसमें सिंपल एक टाइप का मोनोमर ही है जो कि स्टायरीन है, मतलब ये पॉलीस्टायरीन है, इसका मोनोमर स्टायरीन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, होमोपॉलीमर हो जाएगा। चलो आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आते हैं। ओके, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में इसमें दो, मतलब कि इसमें जो पॉलीमर होंगे, जो जो मोनोमर होंगे वो तो या तो दो होंगे बिटवीन टू बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर यूनिट के बीच में क्या होगा, से जो पॉलीमर बनेगा वो कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होगा जैसे। और इसमें एक चीज़ और, सब लॉस ऑफ द सब सिंपल मॉलिक्यूल का लॉस होगा, ठीक है, पॉली कंडेंसेशन के दौरान, पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान लॉस ऑफ सब सिंपल मॉलिक्यूल का होगा, जैसे वाटर का लॉस होगा, एल्कोहल का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, इन सब का लॉस होगा। ओके, तो बन जाएगा क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल कंडेंसेशन पॉलीमर का, जैसे पहला दिया है ये टेरिलिन या डाइक्रॉन, तो इसका जो मोनोमर होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, बाई फंक्शनल है ना, दो ओएच लगा हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी इथेन 1,2-diol और दूसरा टेरिप्थैलिक एसिड। देखो अगर बेंजीन पे 1,4 पे, बेंजीन पे 1,4 पे कार्बन एसिड लगा है तो उसको बोलेंगे टेरिप्थैलिक एसिड, अगर 1,2 पे लगा है तो उसको बोलेंगे थैलिक एसिड। ओके, तो ये थैलिक एसिड टेरिप्थैलिक एसिड में अंतर पता होना चाहिए। 1,2 पे लगा है अगर बेंजीन पे 1,2-diol कार्बन एसिड लगा है तो वो थैलिक एसिड होता है, 1,4 पे चूंकि जो ये तो है ही 1,4, ये है टेरिप्थैलिक। चलो देखते हैं टेरिलिन या डाइक्रॉन कैसे बनता है, टेरिलिन या डाइक्रॉन बाय द इंटरेक्शन ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकॉल, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल इथेन 1,2-diol और टेरिप्थैलिक एसिड मतलब बेंजीन 1,4-dicarboxylic एसिड, इसके पॉलीमराइजेशन से बन जाता है टेरिलिन या डाइक्रॉन, ठीक है, टेरिलिन या डाइक्रॉन। इसमें लॉस किसका होगा, वाटर का लॉस होगा, किसका लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा, ठीक है। आते हैं पॉलीएमाइड में, ठीक है, पॉलीएमाइड में अगर देखेंगे ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर दो ही आएगा, पॉलीस्टर और दूसरा पॉलीएमाइड, ठीक है। अब पॉलीएमाइड ये सिंथेटिक फाइबर, एग्जांपल जैसे सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन हो गया, नायलॉन पॉलीमराइजेशन ऑफ द डाईएमीन विद द डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, डाईएमीन डाईकार्बोक्सिलिक एसिड से अगर पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो ये पॉलीमाइड बन जाएगा। जैसे नायलॉन 6,6 आयन लेंगे, इसका मोनोमर होता है या ये कैसे बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ द हेक्सामेथिल डाईएमीन एंड द एडिपिक एसिड अंडर द हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे किसका, हेक्सामेथिल डाईएमीन और एडिपिक एसिड का, तो बन जाएगा क्या, नायलॉन 6,6। ओके, नीचे रिएक्शन दिखा रखी है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। ओके, ये हो गया क्या, एडिपिक एसिड, दूसरा हो गया क्या, हेक्सामेथिल डाईएमीन, दोनों की कंडीशन पॉलीमराइजेशन करा देंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो नायलॉन 6,6 मिल जाएगा, वाटर इसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, तो नायलॉन 6,6 बन गया। अब इसका देख लेते हैं, नायलॉन 6,6 जो होता है ये फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड होता है, फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड होता है। ओके, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी होती है, स्ट्रांग इंटर मॉलिकुलर फोर्स इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। मैं अगर पूछा जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है, तो नायलॉन 6,6 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया। अब नायलॉन 6 का यूज कहाँ करते हैं, मेकिंग सीट, सीट बनाने में, ब्रिस्टल्स बनाने में, ब्रश और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नायलॉन 6,6 का यूज किया जाता है। अब दूसरा पॉलीमर पढ़ते हैं, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ते हैं, नायलॉन 6। ये कैसे मिलेगा, कैप्रोलैक्टम को हीट करेंगे, हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद द वाटर एट द हाई टेम्परेचर पे, तो मिल जाएगा नायलॉन 6। रिएक्शन देख लो, कैप्रोलैक्टम है ये, 6 कार्बन का कैप्रोलैक्टम है जिसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 इधर है फर्स्ट कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब CO, एक C डबल बॉन्ड हो, एक NH है, तो इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे वाटर के साथ, ये बन जाएगा नायलॉन 6, नायलॉन 6। ओके, कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 बनता है, और इसका यूज करते हैं टायर कॉर्ड फैब्रिक से पूछा गया, टायर कॉर्ड बनाने में किसका यूज करते हैं, तो नायलॉन 6 का यूज करते हैं, टायर कॉर्ड रोप रस्सी और फैब्रिक बनाने में नायलॉन 6 का यूज करते हैं। आते हैं पॉलिस्टर, ये भी क्या है, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसको कैसे बनाएंगे पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जैसे डाइक्रॉन, डाइक्रॉन या टेरिलिन, ये क्या होता है पॉलिस्टर कैटेगरी में, अगर डाइक्रॉन या टेरिलिन जो होता है ये बेस्ट नोन एग्जांपल है पॉलिस्टर का, इसको कैसे बनाएंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल और ट्रिप्थैलिक एसिड के ऊपर, देख चुके हैं रिएक्शन हम, कहाँ देखे थे, जस्ट ये दिखाते हैं कहाँ गई, ये टेरिलिन या डाइक्रॉन, यहाँ पे
ये क्या है, यही है। अब वहाँ पे लैंग्वेज बता रहा है टेरिनियर डायग्राम कैसे बनेगा इथाइलिन डाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड से। ये देखिए कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। टेरिनियर डायग्राम जो होता है ये बनता है कैसे, मिक्सचर ऑफ इथाइलिन डाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड, टेम्परेचर 460 केल्विन, और इसमें कैटलिस्ट जो रहेगा, कैटलिस्ट जरूर याद रखिए, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटलिस्ट, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटलिस्ट इसमें यूज़ किया जाएगा और बन जाएगा क्या, टेरिनियर डायक्रॉन। डायक्रॉन फाइबर जो टेरिलिन होता है ये क्रीस रेजिस्टेंट एंड यूज इन द ब्लेंडिंग विद द कॉटन एंड वूल फाइबर्स एंड आल्सो एज ए ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट। तो ये हो गया। आते हैं फिनाल फार्मेल्डिहाइड वाले में। फिनाल फार्मेल्डिहाइड पॉलीमर जो कि बैकेलाइट या क्या होता है, बैकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर। तो फिनाल फार्मेल्डिहाइड पॉलीमर आर ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है। ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, फिनाल फार्मेल्डिहाइड है। बनता कैसे फिनाल फार्मेल्डिहाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड और द बेस कैटलिस्ट, रिएक्शन स्टार्ट विद द इनिशिएशन फॉर्मेशन आर्थो एंड द पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनाल बनेगा। ओके और नोलॉक, नोलॉक का यूज कहाँ किया जाता है, पेंट एज ए पेंट के रूप में नोलॉक का यूज किया जाता है। तो ये देख लो फिनाल की रिएक्शन फार्मेल्डिहाइड से करवाई गई, तो ये कैसे फिनाल फार्मेल्डिहाइड बना है, बाद में वही क्या बना, नोलॉक, जिसका यूज पेंट के रूप में किया जाता है। ओके अब बैकेलाइट का यूज किया जाता है क्या बनाने में, कॉम्ब, फोनोग्राफ्स, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल ऑफ द बरिश यूटेंसिल, तो ये सब बनाने में बैकेलाइट का यूज किया जाता है। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। बैकेलाइट, बैकेलाइट का यूज कहाँ किया जाता है, नोलॉक का यूज कहाँ किया जाता है, देखिए नोलॉक का पेंट में किया जाता है, बैकेलाइट का कॉम्ब, फोनोग्राफ, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल्स, ये सब बनाने में किया जाता है। ओके मेलामाइन फार्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फार्मेल्डिहाइड में मेलामाइन फार्मेल्डिहाइड किसका पॉलीमर, कंडेंसर पॉलीमर, ये भी है आप मेलामाइन और फार्मेल्डिहाइड का, तो मेलामाइन हो गया बेंजीन टाइप का, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सब पे है, तीन नाइट्रोजन है अल्टरनेट में और तीन अल्टरनेट कार्बन से NH2 लगा हुआ है। फिर फार्मेल्डिहाइड से इसके रिएक्शन करवा देंगे, पहले इंटरमीडिएट रेजिन फार्मेल्डिहाइड बनेगा, रेजिन इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इसका पॉलीमरेशन करवा देंगे तो मेलामाइन पॉलीमर बन जाएगा। और इसका यूज करते हैं अनब्रेकेबल क्रैकरी, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में। ओके अब आते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब मोर देन द वन मोनोमर स्पीसीज की मिक्सचर से जो पॉलीमर बनेगा वो कोपॉलीमर होता है। ओके तो कोपॉलीमर का थोड़ा एग्जांपल देते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ द ब्यूटा 1,3-diene एंड स्टाइरीन से क्या बनता है, ब्यूना यस, ब्यूटा 1,3-diene और स्टाइरीन के मिक्सचर से ब्यूना यस बनता है, और ये कोपॉलीमर का एग्जांपल होता है। जैसे यहाँ लिखा 1,3-butadiene और यहाँ स्टाइरीन C6H5CA(CH2), ये बना ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर, या इसी को बोलेंगे ब्यूना यस। ओके ये कोपॉलीमर हो गया। इसका यूज कहाँ करते हैं ब्यूना यस का, ऑटो टायर्स बनाने में, फ्लोर टाइल्स बनाने में, फूट बियर कंपोनेंट बनाने में, केबल इंसुलेटिंग बनाने में, ये सब में ब्यूना यस का यूज किया जाता है। रबर में आता है नेचुरल रबर, और उसके बाद वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, दो चीज़ देखनी है रबर में। ओके रबर देखते हैं, तो नेचुरल रबर जो होता है, नेचुरल रबर रबर ओके तो नेचुरल रबर जो होता है प्रोसेस इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। देखो अब जो चीज़ें जो फोर्स के आधार पर चार था, इलास्टोमर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग और क्या था फाइबर्स, ठीक चार था, तो उसमें यहाँ पे अब एनसीईआरटी ने एक जगह ना करके अलग अलग जगह एग्जांपल दिया। जैसे अब यहाँ पे दिया देखो, इलास्टोमर जो होता है, इलास्टोमेरिक पॉलीमर कौन सा होता है, नेचुरल रबर जो होती है इलास्टोमर में आएगा, मतलब ब्यूनायस, ब्यूनायन और नियोप्रीन रबर जो होती हैं वो इलास्टोमेरिक पॉलीमर में आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बता रखा है। ऐसे जब हम लोग पॉलीथीन पढ़ रहे थे तो पॉलीथीन को बता रखा था क्या है, वो थर्मोप्लास्टिक है। ओके और जो हम बैकेलाइट, यूरिया, फार्मेल्डिहाइड पढ़े वो था थर्मोसेटिंग, और जो हम लोग नायलॉन पढ़े हैं मतलब पॉलिस्टर और पॉलीएमाइड, मतलब पॉलीएमाइड में नायलॉन पढ़े हैं, पॉलिस्टर में टेरिलिन या डायक्रॉन पढ़े हैं, तो फाइबर्स। तो ये अभी हम समअप कर देंगे, इस चीज़ को एक जगह लिख देंगे, पर इसको पढ़ लेते हैं। ये चीज़ हो गया, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ओके नेचुरल रबर में क्या कंसिडर किया जाता है, चल रहा है ना। ओके नेचुरल रबर में भी कंसिडर है द लीनियर पॉलीमर ऑफ द आइसोप्रीन, ये लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन मीन्स 2-methyl-1,3-butadiene को आइसोप्रीन बोलते हैं, ये आइसोप्रीन का आइसोमर से बनता है पॉली आइसोप्रीन या 6-1,4-polyisoprene बनता है, जो कि नेचुरल रबर होता है। ये रहा नेचुरल रबर का पॉलीमर का फिगर। ओके अब यहाँ पे आइसोप्रीन दिखा रखा है, मतलब 2-methyl-1,3-butadiene है, इसका सिस फॉर्म जो होता है वही होता है नेचुरल रबर। तो सिस पॉली आइसोप्रीन में क्या होता है कि ये वीक वांडरवाल फोर्स से जुड़ा होता है, बस इसमें यही बताना था, इसमें यही देखना था हमको, बाकी
अब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का वल्कनाइजेशन कैसे करेंगे? वैसे नेचुरल रबर क्या होती है, सॉफ्ट होती है, हाई टेम्परेचर अगर 335 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर रखा जाए नेचुरल रबर का तो वो सॉफ्ट होगी, और ब्रिटल होगी लो टेम्परेचर पे, 243 केल्विन के लो पे रहेगी तो ब्रिटल हो जाएगी। तो और सो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी होती है, सॉल्युबल इन, इट इज़ सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है एंड नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक्ट बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना है तो हमको नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन करना पड़ेगा। वल्कनाइजेशन में करते क्या है, इसमें हीटिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ द रॉ रबर प्रोसेस, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद द सल्फर एंड द अप्रोप्रिएट एडिटिव एट ए टेम्परेचर रेंज बिटवीन द 343 केल्विन से 415 केल्विन। ऑल वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म ए क्रॉस लिंक एट रिएक्टिव साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एंड दस द रबर स्टिफ। मतलब मेन पर्पज है रबर का वल्कनाइजेशन करने का, रबर को स्टिफ बनाना है। अब कैसे रबर को स्टिफ बनाएंगे, कैसे वल्कनाइजेशन करेंगे, तो रॉ रबर का मिक्सर ले लेंगे, उसको हीट करेंगे, हीट करने के साथ साथ उसमें सल्फर को मिला देंगे, ठीक है, अप्रोप्रिएट ऐड कर, अप्रोप्रिएट अमाउंट में सल्फर को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसको एक टेम्परेचर रेंज, मतलब 343 केल्विन 415 केल्विन टेम्परेचर के रेंज में सब करेंगे, तो इस प्रकार से सल्फर का ऑल्कनाइजेशन हो जाएगा और बना लेगा क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक जो डबल बॉन्ड साइड थी वहाँ पे क्रॉस लिंक बना लेगा। इस प्रकार से रबर जो हो जाएगी स्टिफ हो जाएगी। पहले क्या थी रबर, बिना वल्कनाइजेशन के रबर सॉफ्ट थी और ब्रिटल थी, अब क्या हो गई, स्टिफ हो गई। सॉफ्ट और ब्रिटल कब थी, जब वल्कनाइजेशन नहीं किया गया था, और स्टिफ कब हो गई, जब वल्कनाइजेशन कर दिया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है वल्कनाइजेशन क्यों करते हैं, तो रबर को स्टिफ करने के लिए, ठीक है। अब इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द टायर रबर 5% सल्फर यूज किया जाता है टायर रबर में, टायर रबर में कितना सल्फर यूज किया जाता है, 5% सल्फर यूज किया जाता है एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट के रूप में, ठीक है, ओके। अब आते हैं सिंथेटिक रबर में, ओके। सिंथेटिक रबर में क्या आएगा, सिंथेटिक रबर में जैसे आ जाएगा ब्यूनायन और न्योप्रिन, ठीक है, ये हो गया सिंथेटिक रबर, ब्यूनायन और न्योप्रिन, ओके। तो सिंथेटिक रबर या तो होमोपॉलीमर होगा 1,3-बुटाडाइन का, 1,3-बुटाडाइन डेरिवेटिव का होमोपॉली सिंथेटिक रबर, आइदर होमोपॉलीमर ऑफ द 1,3-बुटाडाइन डेरिवेटिव और कोपॉलीमर ऑफ 1,3-बुटाडाइन और डेरिवेटिव विद द अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर। तो दो टाइप के इसमें सिंथेटिक रबर दे रखा है, एक तो होमोपॉलीमर जो कि क्या है 1,3-बुटाडाइन का पॉलीमर है, दूसरा जो है कोपॉलीमर है, ठीक है, जो कि ब्यूनायन है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो न्योप्रिन जो है सिंथेटिक रबर है, फिर रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ द क्लोरोप्रिन का फिर रेडिकल पॉलीमराइजेशन करेंगे, मतलब 2-क्लोरो-1,3-बुटाडाइन का पॉलीमराइजेशन करेंगे, क्लोरोप्रिन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो न्योप्रिन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, न्योप्रिन। और मैकेनिज्म कौन सा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करेंगे इसका तो न्योप्रिन सिंथेटिक रबर हो जाएगा। तो इस तरीके ध्यान से देख लीजिए न्योप्रिन का, ओके। इट इज़ सुपीरियर रेजिस्टेंट टू द वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द कन्वेयर बेल्ट गास्केट एंड द हॉर्सेस। ब्यूनायन का जो मोनोमर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका मोनोमर हो जाएगा, पहली बात है कोपॉलीमर है, किसका पोलोमर, किसका कोपॉलीमर है, 1,3-बुटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल का, ऐसे बोलें 1,3-बुटा-1,3-डाइन ऐसे हो सकते हैं, या 1,3-बुटाडाइन बोल लें और एक्रिलोनाइट्राइल को मिला देंगे एज ए पराक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, 1,3-बुटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल पराक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कोपॉलीमराइजेशन करवा देंगे तो बन जाएगा ब्यूनायन। ये भी सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है। तो और इसका ये क्या होता है, रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल ल्यूब्रिकेंट ऑयल एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट यूज इन द मेकिंग ऑयल सील टैंक एंड लाइनिंग, ओके। ये हो गया सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में क्या क्या आ रहा था, न्योप्रिन और ब्यूनायन, और नेचुरल रबर में सिस पॉली आइसोप्रिन, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर तो हाई होता ही है, इसमें कुछ देखना नहीं है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, हाँ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में देखना है हमको, दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इंसर्ट ने दे रखा है, एक पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और कोबीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, मतलब PHBB, ठीक है। ये कैसे ऑप्टेन होता है, PHBB ऑप्टेन बाय द को पॉलीमराइजेशन ऑफ द 3-हाइड्रोक्सीब्यूटोनिक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सीपेंटोनोइक एसिड से, के 3-हाइड्रोक्सीब्यूटोनिक एसिड और 3-हाइड्रोक्सीपेंटोनोइक एसिड का को पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो बनेगा PHBB। और इसका यूज पैकिंग ऑर्थोपेडिक डिवाइस एंड इन कंट्रोल रिलीज ऑफ द ड्रग में किया जाता है। PHBB जो होता है ये बैक्टीरियल डिग्रेडेशन में
बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया है इसको डिग्रेड कर देगी, इसलिए बायोडिग्रेडेबल है। ओके, तो ये देख लो ये इसका वो कैसे बन रहा है, पीएचबी 3-hydroxybutyoneoxide 3-hydroxypentoneoxide से पीएचबी बन रहा है, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पूछता है इसमें यही है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो पूछ चुका है मतलब पूछता क्या है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन है, तो पीएचबी भी है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 इसके जस्ट बाद आएगा वो। ओके, अब ये भी याद रखो कि डिग्रेड करता है चूँकि बायोडिग्रेडेबल है, उसको मोनोमर याद रखो, 3-hydroxybutyoneic 3-hydroxypentoneic सब पूछ रखा है, ये मोनोमर कौन से हैं, बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, क्वेश्चन देखे करेंगे तो उसमें दिखेगा। अब नायलॉन 2 नायलॉन 6 इसका मोनोमर क्या होता है, ए बायोडिग्रेडेबल तो है मोनोमर, इसका मोनोमर इसका क्लाइसिन और अमीनो कैप्रिक एसिड का को पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लाइसिन का फार्मूला होता है NH2CH2COOH, अमीनो कैप्रिक एसिड का फार्मूला होता है NH2CH2 5COOH। ओके, अब थोड़ा सा टेबल है वो देख लेते हैं, पॉलीमर ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंस, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं जरा सा। जैसे पॉलीप्रोपीन हो गया, ये इसका मोनोमर प्रोपीन होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, ये स्ट्रक्चर देख लो, और रोप टॉय पाइप फाइबर बनाने में, रोप रस्सी खिलौना टॉय पाइप फाइबर बनाने में पॉलीप्रोपीन का यूज किया जाता है। पॉलीस्टायरीन जिसका मोनोमर स्टायरीन है, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, इसका यूज किया जाता है इंसुलेटर रैपिंग मटेरियल टॉय रेडियो टेलीविजन बनाने में किया जाता है, टेलीविजन कैबिनेट्स। ठीक है, पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड जिसका मोनोमर विनाइल क्लोराइड है, स्ट्रक्चर इसका ये रहा पॉली विनाइल क्लोराइड का, और इसका यूज किया जाता है रेन कोट बनाने में, हैंड बैग बनाने में, विनाइल फ्लोरिन और वाटर पाइप बनाने में। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जिसको रेजिन बोलते हैं, इसका मोनोमर है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, स्ट्रक्चर ये है, इसका यूज अनब्रेकेबल कफ्स और लेमिनेटेड शीट बनाने में किया जाता है, अनब्रेकेबल कप और लेमिनेटेड शीट बनाने में किया जाता है। ग्लिप्टल, ग्लिप्टल दिया नहीं है, ग्लिप्टल यहीं पे दिया है, अब आओ कहीं ग्लिप्टल नहीं मिला, इसका मोनोमर याद रखो इथाइलिन ग्लाइकॉल थैलिक एसिड, थैलिक एसिड मतलब बेंजीन 1-2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है थैलिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर ये रहा, इसका यूज किया जाता है पेंट और लैक्यूर बनाने में। वैसे पेंट का यूज, पेंट नौ लाख जो था उसका भी यूज एज ए पेंट के रूप में किया जाता था, और ग्लिप्टल का भी यूज एज ए पेंट के रूप में किया जा रहा है। बैकेलाइट फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड इसका मोनोमर है, स्ट्रक्चर ये रहा, इसका यूज कॉम इलेक्ट्रिक स्विच हैंडल ऑफ द यूटेंसिल एंड द कंप्यूटर डिस्क। तो ये रहा पॉलीमर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।